गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इमेजेस. आई होप कि आपने वो सारी इमेजेस बना ली होंगी, दोनों इमेजेस बना ली होंगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी एंड द व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F. सो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द लेंस, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लेंस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर पास आ गए 2F से पीछे हैं, अभी 2F पे जाएंगे, फिर 2F और F के बीच में जाएंगे, फिर F के ऊपर और फिर O और F के बीच में. ये हमारे 4 आज के रे डायग्राम्स हैं जो हमें अब करने हैं. फाइन बेटा. सो अगेन आई एम सेइंग दैट कीप योर पेंसिल एंड नोटबुक विद यू. बेसिस आपके जो रेडी हैं उनके साथ रेडी रहो. बेस रेडी होगा तो आप इजीली इमेज बना लोगे जल्दी से जल्दी, ठीक है. सो जब तक आप रेडी होते हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा रीकैप पिछला ले रही हूँ. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है वो आपने देख लिया था. रे डायग्राम से हमें इमेज के साइज़ वगैरह का पता चलता है. उसके लिए हमें ये 3 लॉज लेने होते हैं. फिगर से देखो, पैरेलल विल गो फ्रॉम फोकस, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे अनडेविएटेड जाएगी, देन द रे कमिंग फ्रॉम फोकस विल गेट पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल देयर फॉर कन्वेक्स लेंस. कनकेव लेंस का फिर से रिवाइज करेंगे. सो नेचर ऑफ द इमेजेस, ये जो आपकी इन्फिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है उससे सिर्फ पैरेलल रेज आएंगी. सो जो बनेगी इमेज दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड बनेगी बट पॉइंट इमेज बनेगी. पॉइंट मतलब बिल्कुल पॉइंट पे ही वो इमेज दिखाई दे रही है, तो उल्टी और सीधी हमें नहीं पता चलेगी, ठीक है. सो इट विल बी टू डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, एंड एट फोकस, बहुत दूर वाली इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी. देन 2F पे, जब 2F से पहले जब आ गई है इमेज, सो वो फोकस से आगे बढ़ जाएगी, फोकस और 2F के बीच में बनेगी. अगेन छोटी बनेगी लेकिन उससे बड़ी बनेगी जो पहले बनी थी पॉइंट इमेज से, ठीक है. इट विल बी अगेन रियल, अगेन इन्वर्टेड एंड अगेन डिमिनिश्ड. फाइन, लेकिन डिमिनिश्ड इतनी छोटी नहीं है, हमें वो इमेज दिखाई दे रही है अच्छे से कि वो क्या है इमेज, उसकी उल्टी बनेगी. इन्वर्टेड मतलब उसका उल्टा. नाउ दिस इज टूडेज वर्क, दैट रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन 2F. 2F पे ऑब्जेक्ट है, अब आपने इमेज कैसे लगा बनानी है. गेट रेडी विद योर पेन एंड पेंसिल, ड्रॉ इट. इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों अलग अलग बनाओगे कलर्स से तो आपको ये पता चल जाएगा. रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है. सो वॉच आउट द वीडियो. नाउ वी आर कमिंग ऑन द थर्ड इमेज, दैट इज द ऑब्जेक्ट एट 2F. वी आर पुटिंग आर ऑब्जेक्ट एट 2F. नाउ दिस इज आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स इमेज, वेयर द इमेज विल फॉर्म. Now you are going to have the same, you apply the same rules. Firstly, draw the normal. Then draw the incident ray. It will be better for you that if you will use different shades of pen for incident ray and for reflected ray. Fine. So we have applied the first rule that the ray parallel to the principal axis will pass through the focus. Now this is the incident ray. I hope that it is very clear, because this is the same rule we have applied. No change is there. So now we are going to apply the second one, that is the ray passing from the optical center will
deviated. Fine. Sorry. Take it as blue. This is the incident ray. Now this is the refracted ray. Now both the refracted rays are intersecting at this point. Now if we are going to, if we join it, then we'll see that the image is just forming on 2F. Fine. So make it, try it, you will get the same point. So you have seen how the image is formed. नाउ अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो इमेज आपकी बन रही है अब उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ जो धीरे धीरे हो रहा था अब वो इक्वल पे आ गया है. नाउ द इमेज फॉर्म्ड इज़ अ रियल इन्वर्टेड. इन्वर्टेड है तो रियल है. रियल रिफ्रैक्टेड रेज इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ रियल. फाइन, वो स्क्रीन पे हमें अवेलेबल हो सकती है, स्क्रीन पे हम देख सकते हैं. रियल इमेजेस को स्क्रीन पे फॉर्म करती हैं वो रियल इमेज. इट इज़ इन्वर्टेड, इसका फिर साइज़ लिखना होता है. देन इट इज़ द सेम साइज़ एज दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड इट विल फॉर्म ऑन अनदर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, T2F पे बनेगा पहला पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट साइड पे है. सो वी आर वर्किंग विद द लेंसेज सो इट विल फॉर्म ऑन द अदर सेंटर ऑफ कर्वेचर. Fine. So draw it and learn the nature of image also. Then we are coming on the next one, that is between 2F and F. So we are on the fourth image, that is when the object is between 2F and F. So here you have to place the object anywhere between 2F and F. Anywhere. आप F के पास भी रख सकते हो, 2F के पास भी रख सकते हो, बीच में कहीं पर भी रख सकते हो. It's your wish. Fine. Then draw the normal at optical center so that we could deviate the rays. Fine. Then same rule we are going to apply, nothing new. So see, I'm going to apply the first rule, बिल्कुल parallel principal axis के parallel. तो principal axis के ऊपर पहले आप ऐसे रख लीजिए, फिर उसके ऊपर ऐसे चलिए, then it will be parallel. So this is the then this parallel incident ray will pass through focus. आप इस normal से इसको deviate कीजिए like this. Fine. एरो ज़रूर लगाइए जिससे पता चले व्हाट इज़ द पाथवे ऑफ रे. फाइन, नाउ अगेन वी हैव टू अप्लाई द अनदर रूल. यू कैन अप्लाई सेकेंड और थर्ड, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड रूल, आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड रूल, दैट इज द इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो अनडेविएटेड. फाइन, so this is the incident ray and afterwards it will be refracted ray. This is the refracted ray, this is the incident ray. Fine. So अब इनकी जहाँ intersection है, जहाँ इनकी intersection हो रही है, at this point you will be getting the image at this point. Is it clear? You can easily see that in this case the image अभी भी वही inverted है, real refracted rays से बन रही है, so it is real and inverted. फाइन, साइज आप देख सकते हो दैट इट इज मैग्नीफाइड. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इट इज मैग्नीफाइड, बहुत इजीली विजिबल है. देन एंड द प्लेस इज बियॉन्ड
2F के भी बाद, ठीक है। और 2F वाली इमेज में आपने देखा था, इमेज 2F पे बनी थी, बिल्कुल इक्वल बनी थी, रियल और इन्वर्टेड तो थी ही थी, ठीक है। सो इसका नेचर भी आपने बहुत अच्छे से करना है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इमेज। So now this is the nature. Again, I'm going to just revise it that the image formed is real, inverted, badi hai usse. So we'll write that it magnified and then beyond 2F. Now we are proceeding towards the fifth ray diagram, that is when the object is on F. So iske liye video thoda sa rehna phone. So now let's see, when the object is on F, then what type of image is going to form? So we are putting our object on F, like this, fine. Then you have to apply the same two laws, yes, same two laws, that the line parallel will go through focus like this. आप इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाइए, ओके। सो ये अब हमें दिखाना है कि ये ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइन, दिस इज इंसिडेंट, सो पुट द एरो। नाउ दिस इज द रिफ्रेक्टेड रे जो फोकस से गई, पुट द एरो, ओके। देन सेकेंड लॉ की the ray passing from the optical center goes undeviated. So आप इस center को, optical center को इसके head से मिलाते हुए, coincide करते हुए आप लेके जाएंगे। This is the refracted ray. Fine. So this is your incident ray. This is your refracted ray. Now you can see, जैसे आपने 7th class में देखा था, your image will go on like this because these both the lines are parallel to each other. और parallel lines जब बहुत दूर जाती हैं तो वो हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं. That means these rays will appear to meet at some point but at very far far place, we don't know which place, so we will say that they will meet at infinity. Aur agar ye milenge infinity pe, then the image will be at infinity. And aap soch sakte ho ki wo jitni dur jati jayegi principal axis se, uska distance utna hi badhta jayega. That means wo bahut badi hone wali hai. और नीचे की तरफ मिलेगी तो वो इन्वर्टेड होने वाली है. रियल रेज से बनेगी तो वो रियल ही होगी. दैट मीन्स द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज. जगह का हमें पता नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल से दैट इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. दिस इज हाउ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एफ विल फॉर्म. फाइन, सो प्रैक्टिस इट. I'm going to tell about the sixth image also. That will be the last for today. So this is the nature which you learn it, that the image is real, inverted, too magnified and at infinity. वो इतनी दूर होगी कि हमारे लिए वो no image भी हम उसको लिख सकते हैं, but वो image form हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी हो रही है. फाइन, सो प्रोसीड टू नेक्स्ट रे डायग्राम. इसके लिए भी आपको फोन थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स लुक आउट फॉर द सिक्स्थ इमेज, सिक्स्थ रे डायग्राम. दैट इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ. ओ इज ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ इज फोकस. सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज फोकस. आप इन दोनों के बीच में कहीं पे भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हो. फाइन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट जो हम रखने जा रहे हैं. जितना काम आप अपने स्केल से करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू.
फ्री हैंड इसमें काम नहीं करना है, यूज योर स्केल फॉर एवरीथिंग, फाइन। तो वही सेम टू लॉज लगाने हैं, देखो हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे पैरेलल एंड देन इट विल पास थ्रू फोकस, है ना, फोकस और इसका ये पॉइंट, इसको मिलाइए और आगे लेकर जाइए। देन दिस इज द पॉइंट, द सेकेंड लॉ वी आर गोइंग टू हैव, सेकेंड लॉ विल सेज दैट द रे कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड लाइक दिस। दिस इज द इंसिडेंट रे, अगेन पास, यहाँ से पास होने के बाद इट विल बिकम द रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो ये रे यहाँ जा रही है, ये रे यहाँ जा रही है, तो इन दोनों में तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ कम था यहाँ बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये आगे जाके और ज़्यादा दूर हो जाएंगी, ये मिलने वाली नहीं है, है ना। सो अगर ये यहाँ नहीं मिलने वाली है, दे विल अपीयर टू मीट एट सम अदर पॉइंट एंड दैट इज समवेयर बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, समवेयर बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। आप खुद देख सकते हो कि जितना ये पीछे जाता जाएगा इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा। सो ड्रॉ इट बाय डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन्स बनाइए, देखते हैं इसको स्केल रख के बिल्कुल इसी के आगे लेके जाना है आपको, लाइन को तोड़ना मोड़ना नहीं है, फाइन। सो इसी के आगे आप एक्सटेंड कीजिए, लेट्स सी वेयर इट इज गोइंग टू मीट, इसको वहां तक करते जाओ जहां तक ये मीट ना करे। सो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज और जो रेज नाउ एज यू हैव सीन दैट दीज रिफ्रैक्टेड रेज will appear, ये refracted, real refracted rays तो इधर देखो अब इधर जा रही है और इधर से इनका distance बढ़ रहा है, so they will not meet anywhere in real, reality में ये कहीं नहीं मिलेंगी, but हम अगर इस तरफ से देख रहे हैं हम तो ये rays हमें पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी, they will appear to meet at this place, ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल गेट द इमेज, हमें इमेज मिलेगी, बट दैट इमेज विल नॉट बी रियल, दैट विल बी द वर्चुअल इमेज, बिकॉज वो रेज हमें सिर्फ मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपियर हो रही है, बट दे आर नॉट इन रियल, फाइन। सो इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे देन दीज रेज विल meet at a point and from that point it will form a image and that is the magnified image and virtual image and erect image, upright, जैसे ये सीधा खड़ा है वैसे ये image भी सीधी रहेगी, ठीक है, ये image की तरह ये सीधी होगी और जो erect image होती है that is virtual image, so this is virtually extend हो रहा है ये, this is not in reality over there, fine, virtually हमें special इन rays को पीछे बढ़ा कर बनाना पड़ रहा है, that's why it is virtual, erect and magnified, ये size आप देख रहे हो, इसके according object के according size बड़ा है, so ये focus के पीछे कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट वेयर यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, इधर 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 या इधर, ठीक है, सो द इमेज इज, दिस इज द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ। सो सारे केसेस में आपने देखा कि देखो जब इन्फिनिटी में था तो एफ पे आया, ठीक है, इमेज एफ पे आई, जैसे 2F पे आया तो इमेज भी आपकी 2F पे आ गई,
ठीक है, एफ से टू एफ पे आ गई। देन अगर इधर इधर ऑब्जेक्ट आपने रखा तो इमेज बाहर की तरफ मूव हो गई और बड़ी हो गई, यहाँ स्मॉल थी यहाँ बराबर हो गई और यहाँ मैग्नीफाइड हो गई। फिर जब एफ पे आया तो एफ पे तो आपकी इमेज बिल्कुल पैरेलल चली गई, इन्फिनिटी पे जाके बहुत दूर जाके इमेज बनेगी जिसको हम मानते ही नहीं, हम मानते हैं कि नो इमेज विल फॉर्म, ठीक है। देन जब एफ से आगे आते हैं तो ये रेज स्कैटर हो जाती हैं एंड देन दे विल फॉर्म द वर्चुअल इमेज। इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी प्लेसमेंट धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। सो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके अच्छे से देखिए एंड ड्रॉ दीज डायग्राम, प्रैक्टिस ऑल दीज एंड लर्न द नेचर्स ऑफ ऑल द इमेजेस। This is the nature of the last image, that is virtual, erect, magnified and beyond F. Beyond F anywhere, F or F to F or 2F के बीच में भी बन सकती है आपकी इमेज, 2F के पीछे भी बन सकती है, 2F के ऊपर भी बन सकती है, so that's not any problem, fine. So thank you for today and practice all these and आज आपको assignment 101% मिल जाएगी जो आपने मुझे भेजनी है within 2 days. All the diagrams up to these.